hit the road and let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden. तो भाई कैसे हो आप लोग, मैं आ चुका हूँ नई वीडियो लेके। तो इस वीडियो का पर्पस है स्नैपिंग। हाँ, हम स्नैपिंग कैसे अच्छी करें। सबसे पहले M24 लेते हैं, थैंक यू कि वो कार 98 और अच्छी है। खैर AWM तो महान है, तो अब हम AWM लेंगे। थोड़ी AWM की ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि AWM का लालच है, लालच। तो भाई लोग अटैचमेंट की तरफ से बढ़ते हैं। अगर भाई मैं अटैचमेंट बोलूँ तो AWM में कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमको ना वर्टिकली रिकॉइल कंट्रोल करना है ना हॉरिजॉन्टली, सही कह रहा हूँ। हाँ, और एक मतलब क्विक ड्रॉ ले लो, ज़्यादा एमो रहेगी 7 वाट। और अगर मैं उसमें करता हूँ तो आप वो ले लो सप्रेसर, सबसे अच्छा ठुचुक सी आवाज़ आती है, एक सेटिस्फैक्शन चीज़ मिलती है। और आप चेक पैड ले लो चाहे तो, जो आपकी मर्जी, बट मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भाई बढ़ते अपने मिशन पर। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को करना है आप एक अच्छा सा स्कोप ले लेंगे। अच्छा सा स्कोप कौन है, एक सिक्स है और भाई एटैक्स है। तो मस्त मैं पीछे जा रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन अब मैं आपको यहीं से ट्रेनिंग बताऊंगा। आप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है आपका स्कोप में जो सेंसिटिविटी है, तो सेंसिटिविटी आप देख लो अगर आपको चाहिए तो। एक जो जैरो ज़्यादा यूज़ करता बंदा है ना, उसके लिए बहुत टफ हो जाती है मतलब स्कोप में एटैक्स के लिए। तो भाई मैं कहता हूँ आप जो मैंने करी है आप वो सेटिंग देख के अपनी सुधार सकते हो। भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ज़रा सा फ़ोन आ गया था। तो भाई अब हम बात करेंगे स्कोप के बारे में, मतलब स्कोप के बारे में बात कर ली है। लेकिन जो एक होता है ना, मतलब एक आपको रोकना रहता है कि बंदा इस पॉइंट पे आएगा और मुझे हेडशॉट मारना है। आपको जो भी मारना है आप थोड़ा देर एम साधो, मतलब मेरे से तो नहीं हो रहा है, तभी आप करो। सो कुछ नहीं, अब आपको मैं एक सेटिंग बताऊंगा जो ये टैब एंड रिलीज करके है। अरे गलती सो गई क्या, टैब एंड रिलीज वाली। हाँ तो भाई ये होती क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें आप अपने जो होता है फायर बटन उसको दाब के रखोगे तो अभी आया होगा स्टॉप फायरिंग। उसको अगर आप ले के रखोगे ना तो आपको वो मतलब पकड़े हुए हो, जैसे छोड़ोगे तब बुलेट जाएगी, वरना हम लोग ऐसे छू लेते फटाक से बुलेट निकल जाती है। तो इसमें कुछ यही है, कुछ प्लेयर्स बताते हैं यूट्यूबर्स, नाम तो मैं नहीं लूँगा, कि ये वाली करो तो आप गॉड लेवल करोगे। जैसे कि एंथना हो गई, वैंथना हो गई करो भाई। और जैसे कि डायनमो भी है, मतलब डायनमो की शायद ये नहीं है, मुझे तो नहीं मालूम, बट हाँ ये करने से भाई मुझको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप ये करने लगोगे तो जो आपका एक होता है ना फास्ट वाली सिचुएशन, उसमें आप कर नहीं पाओगे। खैर इसलिए, और मैं दूसरी चीज़ बताने लगूँगा पीक एंड स्कोप की। आप पीक करो अगर स्कोप खुल रहा है
अब मेरे लिए तो बेटर है, लेकिन आप लोगों के लिए तो बेटर नहीं है, क्योंकि मैं शॉल्टर हूँ ज़्यादातर, मतलब 60% तो मैं सॉल्ट राइफल यूज़ करता हूँ, वरना 40% अगर बाई चांस मिल गई कार रेंटेड और एट बोल्ट एक्शन फायर गन्स, क्योंकि मेरे कमीने दोस्त ले लेते हैं, तो आप वो चलाइए। खैर ट्रेनिंग में यही मजा है सारी गंदों। तो एक होता है भाई जो ये लेट के जो है ना, मतलब इसमें आपका एम बहुत तगड़ा हो जाता है। तो अब मैं ज़रा सा अपनी सेटिंग में चेंज करूँगा, क्योंकि मुझे ये टैब एंड रिलीज वाली पसंद नहीं, तो मैं टैब में करूँगा कन्वर्ट। और इसमें रहता है ना, अभी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा बाद में, कि आप फटाक से मार सकते हो। उसमें रहेगा जैसे कि आप TDM भी खेलते हो भाई, तो TDM में ना अगर कुछ सिचुएशन होती कि बंदा पास में होता है, हम लोग उसको मार नहीं सकते हैं। हाँ, इस वजह से मेरा कहना है कि आप यही यूज़ करो, क्योंकि यार रैंक वैंक पुश करोगे तो थोड़ा बहुत तो सेफ खेलोगे ही, और उसमें भी हम लोगों की थोड़ी जो प्रैक्टिस होती है वो कम होने लगती है। तो TDM एक बहुत अच्छा जरिया, मौका, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, तो बहुत ही अच्छा जरिया है जिसकी वजह से हम लोग अपने सुधार सकते हैं, क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं फिर वो खेलना ही भूल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप गोल्ड वोल्ड में हो, तो भाई आप रश करो, आपको टॉप 30 के अंदर जाना है। खैर मैं बात दूसरी चीज़ करूँगा, कि टॉप अगर 30 के अंदर आपको आना है तो मैं अगली वीडियो बनाऊँगा, कमेंट कर देना। खैर 5 सब्सक्राइबर में कौन कमेंट करेगा, तब भी और सबसे बढ़िया चीज़ है अगर स्नैपर ले लो, आपको हेडशॉट मारो, मतलब सबसे ज़्यादा एक एम करो हेडशॉट का, क्योंकि हेडशॉट यार एक दिल में अच्छी फीलिंग आ जाती है यार हेडशॉट पड़ा है, मतलब लुक भी आता है ना क्लिक मैसेज में, तो बड़ा अच्छा लगता है। खैर ये ट्रेंड बड़ा चला है टिकटॉक में, तो मैं अभी कर रहा था। खैर ये ट्रेंड किसको किसको पसंद है, लाइक करो भाई लो। सो अब मैं बात करूँगा, जैसे कि अगर आपको ट्रेनिंग मोड में करनी है, तो आप सबसे ज़्यादा ना जो कार होती है बाइक गैराज, यहाँ पे जाओ भाई, आप थोड़ा मुड़ो उनके टायर है ना, उनके ऊपर एम करने की कोशिश करो भाई, मतलब फटाक से हो जाए, तुरंत करो, जैसे कि मेरा ही है, हो जा रहा है आराम से, आप करो। और एक टाइम होगा जैसे कि अगर आपको लगता है कि मुझको स्नैपिंग अच्छी करनी है, मतलब हर तरीके से करनी है, ज़रूरी नहीं है, तो आप थोड़ा लेट के घास फूस में जो होता है तो टायर आपको दिखेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा वीडियो से रिवाइंड करके दिखाता हूँ। सो अभी प्रोन होके बंदा हेडशॉट बोल रहा हूँ यार, टायर पे मारेगा। सो फ्रेंड्स अपनी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, भाई लाइक का एम मेरे करने की अभी औकात नहीं है भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो प्लीज़।